हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाला स्नैक्स। अगर आप पूरी और सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो ये स्नैक्स बना के व्रत में खा सकते हैं। ये साबूदाना है। साबूदाना मैंने 2-3 घंटे भिगो के रख लिया था। और ये मैंने उबले हुए आलू लिए, ये 2 आलू लिए। आलू को पहले हम कद्दूकस कर लेंगे, इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे आलू को। कद्दूकस करने से क्या होता है, अच्छे से मैश हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे करेंगे हाथ से तो अच्छे से मैश नहीं होते। कद्दूकस करने से अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो दोनों आलू हम कद्दूकस कर लेंगे और खाने में स्नैक्स बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। इस तरीके से कद्दूकस करके ये दोनों आलू हमने कद्दूकस कर लिए। आलू कद्दूकस करके इसके अंदर ही साबूदाना मिला देंगे। साबूदाना मिला के इसमें मसाला डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे पहले कटी हुई, ये बिल्कुल बारीक बारीक काट ली थी हरी मिर्च। धनिया ले लेंगे, इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च डालेंगे और डालेंगे हम सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे आलू के अंदर। इस तरीके से साबुदाने को अच्छे से मिला लेंगे। अब आलू हमने अच्छे से मिला लिए एकदम से साबुदाने के साथ। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ट्रे है कोई सिल्वर की या स्टील की, उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैं प्लेट यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर थोड़ा मैं ऑयल डालूँगी। इस तरीके से प्लेट में लगा लेंगे। इस तरीके से प्लेट में लगा लेंगे। अब इन आलू को इस तरीके से हम इसके अंदर फैलाएंगे। आप जिस तरीके की शेप देना चाहें उस तरीके की दे सकते हैं। तो मैं प्लेट के अंदर ही इसको इस तरीके से चौखंटा कर दूंगी, ऐसे हाथ से ही अच्छे से बराबर से फैला लेंगे। कहीं से मोटा पतला ना हो, उसको बराबर से ही सेट करेंगे तरीके से। जो कटिंग करने में आसानी रहे, तो चार तरफ से ऐसे हाथ करके की सेटिंग करेंगे। नीचे हमने ऑयल लगा दिया है तो ये नीचे चिपकेगा नहीं, आराम से उड़ जाएगा। इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। अब 5 मिनट हो गए फ्रिज में रखे हुए, तो कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। छोटे बड़े पीस अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके चौखंटे पीस करूंगी। जैसे हम बर्फी बनाते हैं उस तरीके से पीस कर लूँगी। अब इसको इस तरीके से एक एक पीस करके उठा के ऐसे करके उड़ जाएंगे आराम से ये, क्योंकि फ्रिज में सेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पास में ला के दिखाती हूँ। इस तरीके से हम फ्राई करेंगे एक पीस करके, तरीके से एक पीस करके फ्राई कर लेंगे। आप मात्रा में तो भोग भी लगा सकते हैं।
इस तरीके से बना के इस तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। पलट लेते हैं, एकदम नहीं पलटना, जब थोड़ा सा नीचे से पक जाए उसके बाद ही आराम से पलट जाते हैं। अब बिल्कुल धीमे आंच पे करेंगे जो अंदर तक से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं व्रत वाले, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इतने टेस्टी और अच्छे बनते हैं, कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इनको निकाल लेते हैं, इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। व्रत में खाने वाले हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं, इसको आप दही से भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और दोस्तों का शेयर भी करें। आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।